हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे इस्लामाबाद रावलपिंडी में जारी धरने के हवाले से। इस्लामाबाद रावलपिंडी में पिछले 8 रोज से मुसलसल धरना जारी है और बावजूद इसके कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज हुक्मनामा जारी कर दिया और वो भी उसी मजहबी जमात की दरखास्त पे कि जो मजहबी जमात इस्लामाबाद रावलपिंडी के संगम फैजाबाद पे धरना देके बैठी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसी की दरखास्त पे हुक्मनामा जारी किया, फौरी खत्म कर दिया जाए क्योंकि इससे शहरियों को मुश्किलात हो रही हैं, खवातीन बच्चे बूढ़े उन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी निभाने में काफी मुश्किलात हो रही हैं, यहां तक कि एम्बुलेंसेज उन्हें अस्पतालों में वक्त पर नहीं पहुंचा रही। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने यहां तक रिमार्क्स दे दिए कि नेकी का काम अगर गलत तरीके से किया जाए तो वो गलत हो जाता है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद एक बड़ी डेवलपमेंट कौमी असेंबली में ये हुई कि जहां से ये इशू खड़ा हुआ था खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले से, उसी खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिकों खासतौर पर 7B और 7C को उनकी असल शक्ल में असल हलफनामे में बहाल करवा दिया गया। ये अब से कुछ देर पहले की डेवलप आप सबने जानी भी होगी। उसके बाद इस्लामाबाद की इंतजामिया ने धरने वालों को खत भी लिखा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद यहां से खत्म कर दें, लेकिन ना तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट धरने वालों को हटा सक रही है ना ही हुकूमत उन्हें हिला सक रही है, वो अभी भी टस से मस नहीं हो रहे। और आखिर मामला क्या है, अब उनका मुतालबा क्या है, क्योंकि जिस मुतालबे को बुनियादी वो लेके आगे बढ़े थे खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिकों को बहाल करने के हवाले से, वो तो बहाल हो चुकी हैं। इस वक्त सिचुएशन क्या है, धरने के मकाम से ही मौजूद हैं आज न्यूज के रिपोर्टर अली फुरकान यूसुफ। अली, आपको मेरी आवाज आ रही है तो बताइएगा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने भी ऑर्डर जारी कर दिया, सवेरे से ऑर्डर जारी किया हुआ, अब तक कमर घंटे हो चुके हैं, उसके बाद खत्म नबूवत सल्लम की जो शिकें थी उनका मसला भी हल हो गया, कौमी असेंबली ने को भी बहाल करवा दिया, तो अब क्यों बैठे? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर भी है, असेंबली से भी जो है वो खत्म नबूवत की शिके 7C और 7B जो है कर दी गई है और यहाँ पे बारिश भी चल रही है इस्लामाबाद में, काफी तेज बारिश जो है वो गुज़श्ता कोई एक घंटे से तकरीबन जो है वो इस्लामाबाद के इस मकाम के ऊपर हो रही है, लेकिन इसके बावजूद धरने के जो शुरका है और जो मुंतजमीन है उनका कोई मूड दिखाई नहीं दे रहा है धरने को वाइंड अप करने का। अभी मुतालबात है वो अगरचे जो है उनका जो बुनियादी मुतालबा है खत्म नबूवत के हवाले से, जैसे हुकूमत ये समझती है कि उन्होंने उसको पूरा कर दिया है और उसके लिए असेंबली से जो है वो बिल की सूरत में, इलेक्ट्रल रिफॉर्म बिल की सूरत में वो शिकें बहाल कर दी है। लेकिन आपसे सवाल वाले अभी तक क्यों बैठे हैं, अब उनका मुतालबा क्या है, अब उनका कहना क्या है? जी उनका मुतालबा जो है वो तो बुनियादी तौर पर ये समझते हैं कि जिन्होंने ये शिकें जो है इसको निकालने की कोशिश की उनके नाम चाहिए और उसके लिए उनके दो बुनियादी मुतालबे हैं, एक तो वो वफाकी वजीर मजहबी अमूर को इसका जिम्मेदार ठहराते हैं और उनका इस्तीफा चाहते हैं, इसके साथ साथ वो राजा जफरुल हक की जो सरबराही में कमेटी बनाई गई थी तहकीकात के हवाले से इस तमाम मामले की उसकी रिपोर्ट को आम करना चाहते हैं। लास्ट क्वेश्चन, वन लास्ट क्वेश्चन, अली फुरकान के इस्लामाबाद हाईकोर्ट का हुक्मनामा भी आ गया, कौमी असेंबली से शिकें भी बहाल हो गई, इस्लामाबाद जिले इंतजामिया ने खत भी लिख दिया, तो अब क्या गवर्नमेंट का कुछ प्लान है कि वो कोई एक्शन करे इन्हें यहाँ से हटाने के लिए? जी हुकूमत ने जो है वो अपनी कागजी कार्रवाई के तौर के ऊपर जिले इंतजामिया की तरफ से एक खत जरूर है इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले की रोशनी में और यहाँ पे रेंजर्स और पुलिस की जो दफरी है उसको में भी इजाफा किया है, कुछ कंटेनर लगा के हुकूमत ने रस्ते जो है वो भी, लेकिन हमें कुछ ऐसी सूरत दिखाई नहीं देती, हुकूमती रहनुमाओं से जो हमारी बात हुई अहम जिम्मेदार जो
गुजरा वो अभी इस मूड में दिखाई नहीं देती कि वो जबरदस्ती इन जो है वो धरने के जो शुरका है जो मजाही है उनके साथ कोई जबरदस्ती का मूड वो नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अली फरकान यूसुफ, आज न्यूज के रिफा में इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे। और अब प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज की दो बड़ी खबरों के हवाले से। गरीब फैमिली के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ती जा रही हैं क्योंकि नवाज शरीफ साहब की अब दरखास्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी रद्द कर दी है और दूसरी तरफ इसहाक डार साहब का नाम ईसीएल पे डालने के लिए नैब ने रिक्वेस्ट पुट अप कर दिया है। जी लगता ऐसा है कि शरीफ फैमिली के लिए मुश्किलात मजीद से मजीद बढ़ती जा रही हैं क्योंकि आज नवाज शरीफ साहब की वो पिटीशन जो कि पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट उनके खिलाफ नैब के तीनों रेफरेंसेस यकजा कर दिए जाएं वो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी मुस्तरद कर दी गई और वही एतराज लगा के जो रजिस्ट्रार ऑफिस ने लगाया था कि दरखास्त मुतालिका फोरम पे उठाई जानी चाहिए। नवाज शरीफ साहब के वकील ख्वाजा हारिस साहब ने इस मौके पे कहा कि उन्हें तवक्को नहीं थी कि इस किस्म का फैसला आएगा क्योंकि इस किस्म की दरखास्तें ओपन कोर्ट में सुनी जाती हैं और आज चीफ जस्टिस साहब ने इसकी सुनवाई जो है वो अपने चैम्बर में की है। दूसरी तरफ साहब के गिर्द हुदैबिया केस के हवाले से घेरा मजीद तंग होता जा रहा है। कल की बात है कि नैब ने उनके खिलाफ हुदैबिया तहकीकात दोबारा शुरू करने का ऐलान किया था और आज नैब ने वजारत दाखिला से रिक्वेस्ट कर दी है कि इसहाक डार साहब का नाम ईसीएल में डाल दिया जाए और ईसीएल का मतलब है कि जो शख्स मुल्क में हो वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकता। लेकिन इसहाक डार साहब तो पहले ही मुल्क से बाहर हैं, उनके नाकाबले जमानत वारंट की गिरफ्तारी भी हो चुके हैं। अहम सवाल यह है कि क्या वजीर दाखिला एहसन इकबाल साहब अपने वजीर खजाना इसहाक डार साहब ईसीएल पे डालेंगे। इसमें पहले तो बात करेंगे कानून क्या कहता है, उसके बाद पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे आएंगे। कानूनी उमूर जानने के लिए मेरे साथ साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान कादर। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए। फरमाइएगा कि इसहाक डार साहब तो मुल्क से बाहर है तो ऐसे में नैब की तरफ से उनका नाम ईसीएल पे डालने की रिक्वेस्ट, इसकी कानूनी नुकता क्या हो सकता है, इसका कानूनी फायदा क्या हो सकता है नैब को? देखें जी, ईसीएल का नाम तो उस वक्त डाला जाता है जिस वक्त कोई शख्स पाकिस्तान में हो। ठीक। अगर वो पाकिस्तान में हो ही ना तो उसने ईसीएल मींस के पाकिस्तान से बाहर ना जा सके। ठीक। तो वो तो ऑलरेडी पाकिस्तान से बाहर गए हुए हैं। तो ये जो टाइमिंग है, मेरा ख्याल है कि नैब ने जो रिक्वेस्ट की है वो जिसने भी रिक्वेस्ट की है उसको दराक नहीं है। कानून को अगर देखें तो ईसीएल में ये नाम तब आना चाहिए था अगर वो मुल्क में होते तो फिर तो इस तरह की अगर कोई रिक्वेस्ट करते तो समझ में आती, और अगर वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं तो फिर भी ईसीएल में नाम नहीं होना चाहिए क्योंकि वो मुल्क से जा तो नहीं रहे होंगे फिर आ रहे हो। तो ये टाइमिंग जो है मेरी तो कुछ समझ नहीं है, इसका यानी लॉ से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि लॉ को अप्रिशिएट ही नहीं किया गया इस रिक्वेस्ट को करते हुए। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि नवाज शरीफ साहब की जो पिटीशन थी वो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दी है, उन्होंने भी रद्द कर दिया है कि तीनों रेफरेंसेज नवाज शरीफ साहब के खिलाफ इकट्ठे नहीं सुने जा सकते, जबकि आले दिन से प्ली ये है कि नैब ऑर्डिनेंस के तहत एक ही अगर इल्जाम है तो उस पर मुकदमा एक ही बनना चाहिए। ये आपकी भी प्ली है इरफान कादर साहब? जी, मैंने ये नहीं कहा कि एक ही इल्जाम, मैंने ये कहा था कि अगर एक ही तरह के ऑफेंसेज हों, सेम काइंड के ऑफेंसेज हों और पार्टीज भी सेम हो तो फिर तमाम रेफरेंसेज जो है, एक से ज्यादा अगर रेफरेंस हो तो एक ही ट्रायल में उनका फैसला हो सकता है। मैंने और ये सिर्फ मैंने नहीं कहा बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 13 है कि किसी शख्स को एक जुर्म के लिए एक से ज्यादा उसकी ना तो ट्रायल होगा ना उसकी प्रोसिक्यूशन होगी, एक से ज्यादा, और एक से ज्यादा उसकी कन्विक्शन भी नहीं हो सकती। ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है और यहाँ पे एसेंशियली जो ऑफेंस है, अगर आप उनके रेफरेंसेस के नाम देखें तो उसमें एवन फील्ड प्रॉपर्टीज का एक रेफरेंस है, फिर कुछ उनके दूसरे उनके बारे में एक और रेफरेंस है, और रेफरेंसेस का जो नॉमन क्लेचर जो टाइटल है वो प्रॉपर्टी से रिलेट करता है, जिससे पता चलता है कि एसेट्स जो बियॉन्ड नोन सोर्स ऑफ इनकम है वो एसेंशियल ऑफेंस है, और वो एक ऑफेंस होता है, वो तीन ऑफेंसेस नहीं होते। ठीक है, गॉट योर पॉइंट इरफान कादर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पर। अब आगे बढ़ेंगे
हवाले से और खासतौर पर डिलिमिटेशन नई हल्का बंदियों के हवाले से तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हो गई हैं। इन तमाम मामलों को डिस्कस करेंगे। मेरे साथ होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, पाकिस्तान तरीके इंसाफ से अली मोहम्मद खान साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कमर जमान कायरा साहब। सबसे पहले अली मोहम्मद खान साहब आपकी तरफ आऊंगे क्योंकि पीटीआई को काफी सारे तहफ़ुज़ात उसके खत्म हो चुके हैं, कौमी असेंबली से मुत्तफ़िका मंजूर हो गया है हल्का बंदियों का बिल। अब ये बताएं कि आपका मुतालबा मुसलसल चलता आ रहा है कि इंतखाबात वक्त से पहले होने चाहिए, अब हल्का बंदियों का बिल मंजूर हो गया, अब इंतखाबात कब होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, इजलास से पहले भी आपको याद होगा जो पिछला सेशन था वो भी हुकूमत को जल्दी में उनको प्रोरोग करना पड़ा, ठीक, क्योंकि उसमें अपोजिशन की कुछ जमातों के एतराज़ात थे। फिर सीसीआई की मीटिंग हुई जिसमें फिर कंसेंसस जो है वो डेवलप हुआ, और कल फिर पार्लिमानी पार्टी की लीडर्स की मीटिंग भी हुई है। तो आज जो ये वन टाइम अमेंडमेंट है ये तो बेसिकली इसी के लिए है कि ये जो डिलिमिटेशन का इशू है ये हल हो, क्योंकि अगर ये सेंसस हुआ है और उसको अगर नोटिफाई हो के बाद डिलिमिटेशन होती है तो उससे फिर आपका इलेक्शन का प्रोसेस अपने वक्त को तो छोड़ें उससे भी आगे जाने का उसका जो है वो इम्कान है। तो अब बुरी जो उसके रिजल्ट्स हैं सेंसस पे उसके बुनियाद पे करना है ताकि वक्त पे हो, क्योंकि हमारी तो डिमांड ये भी है कि वक्त से पहले होना चाहिए, और ये डिमांड ऐसी कोई डिमांड नहीं है जो कि गैर आइनी हो या गैर जमहूरी हो। मुल्कों में और बड़े मुल्कों में और जमहूरी मुल्कों में होता है ऐसे, हाल ही में जर्मनी में हुआ है, जापान की मिसाल आपके सामने है, जापान में बहुत सारे इलेक्शंस एक साल में भी हो जाते हैं, अमेरिका में भी इस बात की आपके पास मिसालें मौजूद हैं कि वो अर्ली इलेक्शन की तरफ हो जाने की बातें वहां पर भी होती हैं, फिर वो होता है या नहीं होता वो डिबेट के बाद उसका रिजल्ट निकल आता है। ठीक है, अली मोहम्मद खान साहब आपके पास दोबारा भी आऊंगी। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन रांझा साहब। सबसे पहले तो ये बताएं कि शरीफ फैमिली के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। नवाज शरीफ साहब की दरखास्त अब चीफ जस्टिस साहब ने भी रद्द कर दी है तीनों रेफरेंसेज इकट्ठे करने की। उधर डार साहब के लिए नैब ने रिक्वेस्ट पुट अप कर दी है आपके एहसन इकबाल साहब को कि उनका एलमेट डाला जाए, तो एहसन इकबाल साहब डार साहब का नाम ईसीएल में डाल देंगे? देखिए, ये तो एहसन इकबाल साहब ही बेहतर जवाब दे सकते, आपकी पार्टी के ही बंदे हैं ना। अगर जिस तरीके से आई है इसके ऊपर बाजार से दाखला एक मौसर जवाब दे सकेगी और एहसन साहब, लेकिन मैं ये जरूर बात करूंगा कि जो ये नैब का जो सारा ये प्रोसेस चल रहा है, हम पहले दिन से अदालतों के एहतराम में, पाकिस्तान के सिस्टम के एहतराम में अदालतों का पेश हो रहे हैं, और गो के हमें पता है कि इनसे हमें इंसाफ की तो नहीं है, ठीक, और जो जिस तरीके से माजी में जो केसेस चले हैं और पनामा का जो केस हुआ, जिस तरफ उसके बाद जो जेआईटी बनी, हमारे तहफुजात पहुंच उसमें बेंच के फैसले के ऊपर उसी तरह की उसी तरह है, ठीक, और उस फैसले में जो जेआईटी ने जिस तरह से काम किया, हम तो ये तवक्को कर रहे थे कि जेआईटी से भी इंसाफ मिलेगा, लेकिन जब हम वहां पे पेश हुए तो जिस तरीके से डराया धमकाया गया लोगों को, जबरदस्ती हल्फिया बयान लेने की कोशिश की गई, तजलील करने की कोशिश की गई, इस तरह के तमाम वाकयात जो है ये वो उसका सबूत है कि ये जो एहतसाब हो रहा है वजीर आज़म साहब के, वजीर आज़म नवाज शरीफ साहब के या उनके खानदान वालों के खिलाफ, ये जो एहतसाब है ये इंतकामी कार्रवाई ज्यादा मालूम होती है, क्योंकि जिनका पहले फैसले में भी नाम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी नाम नहीं है, मरियम नवाज के को बाद में इस केस के अंदर डाला जाता है ताकि पूरी फैमिली को सियासत में से बाहर निकाला जाए, इनके अजायम कुछ इस तरह की, लेकिन हम इस चीज को फेस कर रहे हैं, हम साथ साथ अपने जो ऑब्जेक्शन है वो रिकॉर्ड कराते रहेंगे और हम ये बार बार कहते रहेंगे, हर जगह पे कहते रहेंगे। ठीक है, गॉट योर पॉइंट। कमर समान कायरा साहब क्या मेरे साथ हैं जी? ठीक है, कायरा साहब के भी लाइन कनेक्ट नहीं हुई। रांझा साहब आपसे ही सवाल है, हल्का बंदियों के बिल पर तो आपने तमाम जमातों को मना लिया, पीटीआई भी नाराज थी उसको, पीपल्स पार्टी भी नाराज थी उसको मना लिया, एमक्यूएम को आपने ऑफर कर दिया कि सीसीआई का एक और इजलास बुला लिया जाएगा, लेकिन अब अगला मरहला आ जाएगा इंतखाबात के अनाउंस करने का, जो कि जाहिर है आपको अनाउंसमेंट करनी है, उसमें तमाम जमातों की राय डिफरेंट है, पीटीआई जल्द इंतखाबात चाह रही है, पीपल्स पार्टी का अलग मौकफ है, आप कहते हैं कि इंतखाबात अगस्त में ही होंगे, उस पर आप कैसे मनाएंगे सबको? देखिए, जो आईनी रिक्वायरमेंट कानून के मुताबिक जो एक अरसा या एक वक्त मुकर्रर है इंतखाबात का, ठीक है, उसके लिए किसी को मनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जो चीज़ एक कानून में मौजूद है उसको सबको समझना चाहिए,
हालात वाकयात या एतराजात किसी हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, अपोजिशन का काम है वो कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो आज काम हुआ है, जो आज पार्लियामेंट की जो तारीख जो रकम हुई है, ये मैं समझता हूँ कि जमहूरियत की फतह थी कि तमाम सियासी जमातों ने मिलके काम के बीच में जो जमहूरी अमल है उसको बढ़ाने के लिए तमाम सियासी जमातों ने बड़ा अच्छा एक मुजाहरा किया। सब इकट्ठे हुए, सब ने जो इस कानून था उसके बीच में जिसके छोटे मोटे तफजात थे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। वरना कल तक आप इसी पीपल्स पार्टी और पीटीआई पे तनकीद कर रहे थे और अपने खदशात का इजहार कर रहे थे कि शायद ये इंतखाबात का डिले चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा साहब मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। पीपल्स पार्टी को बहुत तहफ्फुजात थे, सीसीआई का इजलास आप तलब कर रहे, डिमांड मान ली गई थी, अब आज अच्छा एक कदम उठाया कि नई हलका बंदियों का बिल मंजूर हो गया है। अब अगला स्टेप यह है कि इंतखाबात की अनाउंसमेंट होनी है, अब उस पर कैसे सबको यकजा किया जाएगा, उसके लिए पीपल्स पार्टी का क्या मुतालबा है आपकी, इंतखाबात कब होने चाहिए? बिकॉज इस वक्त भी एक गोमगो की कैफियत है, एक कंफ्यूजन की कैफियत है मुल्क में इंतखाबात को लेकर। देखिए, जो कंफ्यूजन था वो इसलिए था कि हल्का बंदियां होंगी कि नहीं होंगी, बिल पास होगा कि नहीं होगा। अब ये बिल पास हो गया, अभी ये फाइनल नहीं हुआ क्योंकि अभी सेनेट में जाएगा ये बिल और उसके बाद इसकी फाइनलिटी हो जाएगी, लेकिन वहां भी क्योंकि जमातों का इत्तेफाक है तो वहां भी ये बिल पास हो जाएगा। इस बिल के पास होने के बाद नॉर्मल कोर्स में हल्का बंदियां भी हो जाएंगी और अपने टाइम पे इलेक्शन भी होगा। इसके लिए ऑलरेडी जो तहसीबा तरीकाकार है उसी के मुताबिक चलना है और तो नई हुकूमत अमली की जरूरत नहीं है। ओके, क्योंकि पीटीआई का मुतालबा है कि इंतखाबात, वो मुतालबा तो इसके साथ ही, इस बिल के पास होने के साथ ही मतलब अपनी तभी जिंदगी पूरी कर बैठा है, इसलिए कि आज पीटीआई ने भी इस बिल को वोट किया है। उनके जो तहफात थे या उनका जो ख्याल था उससे बाकी कोई जमात मुतफिक भी नहीं थी और आइन के अंदर सबल वक्त इंतखाब कराने का इख्तियार अगर किसी शख्स के पास है तो वो सिर्फ वजीर आजम के पास है और किसी के पास नहीं। ठीक है, बिल्कुल सही है। कल इमरान खान साहब ने कहा था कि हुकूमत हो सकता है कि चली जाए और इंतखाबात जल्द करवाने पड़े, अली मोहम्मद खान साहब, ऐसा क्यों कहा था इमरान खान साहब ने? देखें, हुकूमत का जहाँ तक ताल्लुक है, हम ये समझते हैं कि उस वक्त जब मियाँ नवाज शरीफ साहब को जुर्म साबित होने पर जब माजूल वो हो गए और एक मुजरिम हो गए, मुलज़म से मुजरिम हो गए और एक साबिक नाअहल वज़ीर आज़म हो गए, तो आपको भी मैं भी इसको डिनाई नहीं कर सकता कि पाकिस्तान में पार्टीज को भी वोट होता है लेकिन पार्टी की लीडरशिप बहुत मैटर करती है। मियां नवाज शरीफ साहब जब इलेक्शन में गए अपने और अपने मैनिफेस्टो को सामने लेके गए, सेम वॉज द केस विद इमरान खान साहब और आसिफ अली जरदारी साहब जी। अब मियां नवाज शरीफ साहब जिस दिन माजूल हुए हैं, मुझे आप ये बताएं कोई अखलाकी जवाब है इस हुकूमत का? फिर जब यहां पर आप इनका ये रिटोरिक सुने, आज भी मोहसिन साहब जो हैं बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब ने ये बात की है कि हमें इन अदालतों से इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है, तो आप क्या समझते हैं कि अदालतें किसी साजिश का आलाकार हैं? तो वो साजिश कौन कर रहा है? जिस तरह मियां साहब ने कहा कि हमसे बोझ रख रही हैं अदालतें, फिर उन्होंने कल शायद ये बात की थी कि जो अपना फैसला जो वो कराया जा रहा है, सजा दी नहीं जा रही, दिलवाई जा रही, सजा दिलवाई जा रही है। अब इशू यह है कि यहां पे दो बातें निकलती हैं। पहली, आप पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को क्या मैसेज दे रहे हैं कि वो हुकूमत जो 2/3 मेजॉरिटी के साथ बैठी है उसको अपनी अदालत नहीं, उसके खिलाफ अदालतें खुद या किसी के कहने पे साजिशें कर रही हैं, ठीक क्या? और दूसरी बात, इन हालात में जब आप अपना मैंडेट अखलाकी तौर पे खो चुके हैं, आपका वजीर आजम मुजरिम साबित हो चुका है, और तीसरी बात यह है कि आप बार बार ये बात करें हमारे खिलाफ साजिश है, इदारे हमारे खिलाफ हैं, क्या वक्त नहीं आ गया, ठीक है, कि आप अवाम के पास, जिस अवाम की अदालत की आप बड़ी बातें करते हैं, आप डरते क्यों हैं उस अवाम की अदालत से? आप उस दो बातें यहां पर मैं करूंगा, आपकी अदालत के पास जाए और उनसे फैसला लें कि भाई हम अपना मैंडेट खो चुके हैं, हम आपके पास आ रहे हैं, हमारे से ज्यादती हुए, बेशक आप ये हमारे से ज्यादती हुए अवाम मुनासिब समझेंगे, आपके साथ ज्यादती हुए आपको वोट इन करेंगे। और दूसरी बात, ये जो चैमगोइयां हो रही हैं कि इलेक्शन वक्त पे होगा नहीं होगा, क्या सिस्टम रोल बैक हो रहा है नहीं हो रहा, इसका सबसे मुनासिब हल क्या है? आप अर्ली इलेक्शन कॉल करें ताकि सारी ये कंफ्यूजन खत्म, ये जो डिलिमिटेशन का पार्ट है
इसका ऑटोमेटिक मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कबल अज़ वक्त इंतखाबात नहीं कर सकते, वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे है कि क्या इलेक्शन बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, कमर जमान कायरा साहब प्रोग्राम में लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दहशत के एक बहुत अहम इशू पर बात करेंगे। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और अब बात करेंगे पाकिस्तान में जारी दहशतगर्दी की ताजा लहर जिसका खास तौर पर निशाना बलूचिस्तान है। पाकिस्तान खासतौर पर बलूचिस्तान दहशतगर्दी की एक ताज़ा लहर का शिकार हुआ है जिसमें एक रोज़ पहले ही तुर्बत में 15 पाकिस्तानियों को शहीद कर दिया गया जो कि पंजाब से की तलाश में यूरोप जाना चाहते थे और उन्हें इंसानी स्मगलर्स ने बलूचिस्तान ले जाकर शहीद कर दिया गया। उन 15 मासूम लोगों की लाशें जब आप लाहौर पहुंचें क्योंकि लाहौर से आगे इलाकों में भेजा जाना था तो ना सिर्फ लाहौर में बल्कि लाहौर में कोहराम था बल्कि उनके आबाई इलाकों में भी कोहराम था और पूरे पाकिस्तान में हर पाकिस्तानी की आंख नम थी और उसका दिल गम से चूर था। सिर्फ यही नहीं पहले ही एसएसपी इन्वेस्टिगेशन साहब को उनको भी फायरिंग करके क्वेटा में शहीद कर दिया गया था। ये एक हफ्ते में दूसरा हाई लेवल पुलिस ऑफिसर है कि जिसको क्वेटा में शहीद किया गया या तो फायरिंग करके या उन्हें खुदकुश हमलों का निशाना बना के। एक हफ्ते के अंदर आपको याद शकील साहब कुछ रोज पहले भी उन्हें एक खुदकुश हमले में शहीद कर दिया गया था। इससे पहले भी क्वेटा में ना सिर्फ पुलिस ऑफिसर्स पर बल्कि एफसी के जवानों पर और आर्मी के जवानों पर भी उनके कॉन्वॉयस पर भी अटैक होते रहे, उन्हें दहशतगर्दी का निशाना बनाया जाता रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर बलूचिस्तान को दहशतगर्दी की इस नई और ताज़ा लहर का निशाना अचानक क्यों बनाया जा रहा है जबकि खित्ते में बहुत तेज़ी से कुछ सियासी और कुछ मुआशी तब्दीलियां भी आ रही हैं। इसका एक बहुत अहम जवाब कल चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर ने दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत कोशिश कर रहा है कि वो सीपेक को नाकाम बनाए और इसके मुखालिफत में इसे नाकाम बनाने के लिए भारत ने 55 अरब रुपए मुख्तस कर रखे हैं। इससे पहले आपको याद होगा कुछ महीने पहले ये खबर आई थी कि सीपेक को नाकाम के लिए भारत ने रॉ में एक खसूसी अलग से डेस्क भी कायम कर रखा है। आज अहसन इकबाल साहब वजीर दाखिला उन्होंने भी इसकी तस्दीक की और कहा कि भारत बलूचिस्तान में सीपेक को नाकाम करने के लिए साजिश कर रहा है, दहशतगर्दी करवा रहा है और इसके लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। क्या कह रहा था टेक अ लिसन। कुछ अरसे से बलूचिस्तान सरहद पार से जो तखरीबकारी है उसमें इजाफा हुआ है। एहसन इकबाल साहब का स्टेटमेंट आपने सुना। आज आर्मी चीफ ने अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर से जनरल मुलाकात की और उनके सामने भी ये बात बहुत अहम तरीके से रखी कि अफगान सरजमीन सरहद पार से दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर मुखलिस है कि अफगानिस्तान में अमन हो क्योंकि अफगान पाकिस्तान के अमन से जुड़ा हुआ है और पाकिस्तान के अमन के लिए भी बहुत जरूरी है। इन तमाम मामलों पर बात करेंगे कि इस ताजा और नई दहशतगर्दी की लहर के पीछे मकसद क्या है और इसको काउंटर किस तरह से किया जा सकता है। मेरे साथ हैं साबिक वजीर दाखिला और साबिक गवर्नर सिंध जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब। जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। आपने जनरल जुबैर साहब का स्टेटमेंट पढ़ लिया होगा, उन्होंने कहा कि भारत सीपेक को नाकाम बनाने के लिए 55 अरब रुपए उसने मुख्तस कर रखे हैं। एहसन इकबाल साहब ने भी आज कह दिया कि अफगान सरजमीन को भारत इस्तेमाल कर रहा है बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करवाने के लिए ताकि सीपेक को नाकाम बनाया जा सके और बलूचिस्तान में जिस तरह दहशतगर्दी की एक ताजा लहर पैदा हुई है क्या मकसद क्या है, इसको रोका कैसे जा सके। ये मकसद तो बहुत वाज़े है और काफ़ी अरसे से मकसद बिल्कुल क्लियर हो गया है और समझना चाहिए कि अमेरिका वहाँ क्यों बैठा हुआ है 13 और वहाँ से जाना क्यों नहीं चाहता, क्योंकि उस जगह पे बैठकर वो अपना चाइना और रूस और सब के ऊपर वहाँ से नज़र रखता है और वहाँ पर दबाव दूसरों पर डालता है, पाकिस्तान पर भी और साथ में हिंदुस्तान को उसने साथ मिलाया हुआ स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग के ज़रिए से।
और वो जो है के ऊपर भी दबाव रखते हैं और रुकावटें डालते हैं, और सी पैक के मामले में तो कोई ढकी छुपी बात नहीं रही, वो तो हिंदुस्तान भी कहता है और अमेरिका ने भी इस किस्म के उस पर ऑब्जेक्शन सी पैक पे पहले तो खामोशी इख्तियार करते थे या किसी और तरीके से बोलते थे, लेकिन अब तो बहुत साफ तरीके से और साफ साफ कहा जब ख्वाजा आसिफ साहब अमरीका गए हुए थे कि ये जो है डिस्प्यूटेड टेरिटरी में जो है इसके कुछ प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं। हालांकि पहले अमरीका ने नहीं कही, हमारा मंगला भी आज़ाद कश्मीर में है, नीलम जेलम भी वहाँ बन रहा है, कराकोरम हाईवे आज से 40-50 साल पहले जो है वहाँ पर बनी है उसी टेरिटरी में जिसको हिंदुस्तान कहता है कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो ये हमारे लिए मुश्किल पैदा की जा रही हैं। और हिंदुस्तान से भी कोई बात ढकी छुपी नहीं है, आपकी आपने भी वीडियो देखी होगी, वो कहते थे हम इन्हें तालिबान को हम खरीद लेंगे, इनको हम ज़्यादा पैसे देंगे और इनसे हम पाकिस्तान के अंदर गड़बड़ करेंगे और टेररिज्म इनके थ्रू फैलवाएंगे। तो अब ये लोग बैठे हुए अफगानिस्तान की साइड पर और पाकिस्तान की बॉर्डर पोस्ट पे भी हमले करते हैं और वहाँ से भी दहशतगर्द भेजते हैं, पाकिस्तान के जो लोग वहाँ बैठ कर डोरियाँ हिला रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर, वहाँ बहुत से लोगों को रिक्रूट कर लिया है और उनको बड़ी बड़ी रकूम दी जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर वो गड़बड़ फैलाएं। तो पाकिस्तान दबाव में रहे, पाकिस्तान लगे टर्मोइल में है, चाइना थोड़ा परेशान हो कि इतनी बड़ी मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ पाकिस्तान ताकि माशी तौर पर मजबूती से अपने पाँव पे खड़ा ना हो जाए, ये तमाम इनके मकासद हैं। ठीक ठीक है, तो ये बताएं कि इन्हें काउंटर कैसे किया जा सकता है, इन इन मकासद कैसे बना जा सकता है, दहशतगर्दी की इस नई लहर को जो कि जाहिर है दुश्मन के आपने बता दिया मकासद वासे हैं, इसे रोका कैसे जा सकता है। रियासत जिसमें हुकूमत भी शामिल है, पाकिस्तान के दीगर रियासती इदारे भी शामिल हैं, बहुत अरसे से वो कोशिश भी कर रहे हैं, स्ट्रैटेजीज भी इसकी नई से नई बनाते हैं, तो फिर आखिर कमी कहां पर रह रही है, खामी कहां पर है, कहां पर काम करने की मजीद जरूरत है। देखिए इसको तो ये बात अब बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि हम हालत जंग में हैं और जंग में वो तमाम चालें दुश्मन चल रहा है जो फोर्थ जनरेशन वॉर की होती हैं, जिसके अंदर सियासी बेचैनी फैलाई जाती है, जिसमें इंतशार भी फैलाया जाता है, जिसमें लोगों को मायूस करने के लिए गलत खबरें भी फैलाई जाती हैं। तो पाकिस्तान अपनी सी कोशिश कर रहा है, ISI अपनी सी कोशिश कर रहा है कर रही है, लेकिन जबकि बहुत सारी यहाँ पर बलूचिस्तान में काम कर रही हों तो अकेली ISI उनके साथ जहाँ तक मुमकिन हो सकता है कर रहे हैं, और अफगानिस्तान से मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, ईरान से मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, और बलूचिस्तान में लोगों के साथ भी कोशिश कर रहे हैं कि वो हथियार छोड़कर जो है वो डेवलपमेंट के काम में आ जाएं। तो कोशिशें तो हो रही हैं, लेकिन दुश्मन जो है वो आपको पता है उसने ईस्टर्न बॉर्डर पर LOC को भी गर्म रखा हुआ दबाव में लाने के लिए, और बलूचिस्तान के जो सॉफ्ट अंडरबेली की बन चुकी है जहाँ से हम जाना है गवादर को, उसको डिस्टर्ब करने की पूरी कोशिश में है, सरतोड़ कोशिश में है वो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साबिक वजीर दाखिला और साबिक अफगानिस्तान जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब हमसे बात कर रहे थे। अब प्रोग्राम के आखिर में एक अच्छी खबर पाकिस्तान के हवाले से, सिर्फ दहशतगर्दी की ही नहीं या कोई बुरी खबर, अच्छी खबर भी आती है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान से सिर्फ मनफी खबरें ही नहीं जाती, मुस्बत खबरें भी आती हैं, तो ऐसी ही एक बहुत अच्छी खबर पाकिस्तान से आई है अमन की और मोहब्बत के पैगाम की के लिए। पाकिस्तान की तारीख, पाकिस्तान की ज़मीन अमन की अमीन है और इसका एक बहुत बड़ा सबूत मिला है खैबर पख्तूनख्वा से, जहां पर कल ही इमरान खान साहब भी हमाला के इलाके में जहां पर खुदाई हुई है दोबारा से 88 साल के बाद, और दुनिया का कदीम तरीन स्लीपिंग बुद्धा उसके मुजस्मे की रूनुमाई हुई है, और ये दुनिया का सबसे कदीम तरीन 1700 साल पुराना
स्लीपिंग बुधा का मुजस्मा है जो कि 1929 में दरियाफ्त हुआ था, लेकिन उसके बाद इसकी एक्सकवेशन, इसकी खुदाई जो है वो तातुल का शिकार हो गई थी। 88 साल के बाद इसकी खुदाई दोबारा शुरू हुई और 48 फुट ऊंचा है, 48 फुट की लंबाई है इस बुधा के मुजस्मे की। और आप जैसा कि जानते हैं, तारीख जैसा कि वाज़ह है कि पाकिस्तान का ये खत्ता ये मुख्तलिफ मज़ाहिब की आमाजगा रहा है, मुख्तलिफ ऐसे मज़ाहिब जहाँ से पूरी दुनिया के लिए अमन का और मोहब्बत का पैगाम फैला। बुद्धिज़्म उन तमाम मज़ाहिब की फहरिस्त में सर फहरिस्त है जो दुनिया भर में अमन का और मोहब्बत का पैगाम फैलाते हैं, और पाकिस्तान की सरजमीन से, इसी खत्ता ज़मीन से बुद्धिज़्म का पैगाम जो है दुनिया भर में फैला। अब सिर्फ ये एक स्टैचू नहीं है, सिर्फ एक मुजस्मा नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी 500-600 मुजस्मे हैं जो कि दरियाफ्त हुए हैं, लेकिन ये जो मुजस्मा है 1700 साल पुराना है, दुनिया का कदीम तरीन। तरफ जबकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर है, इंतहा पसंदी की लहर है, इस्लामाबाद में अनफॉर्चुनेटली एक मजहबी जमात ने धरना दे रखा है, पाकिस्तान ना सिर्फ पाकिस्तान के अखबारात, ना सिर्फ पाकिस्तान के दुनिया भर के अखबारात और दुनिया भर का मीडिया एक पाकिस्तान की तरफ से मनफी खबर दे रहा है, वहां पर ये एक अच्छी मुस्बत खबर सामने आई है कि असल में जो पाकिस्तान की जमीन की जड़ें हैं, जो पाकिस्तान की रूट्स हैं तारीख की, वो मोहब्बत और अमन से गंधी हुई हैं। और इसकी मिसाल ये है कि 1700 साल पुराना दुनिया का कदीम तरीन ये मुजस्मा जो है खैबर पख्तूनख्वा में खुदाई के बाद मुकम्मल तौर पर सामने आया है, और डेफिनेटली पख्तूनख्वा गवर्नमेंट भी इसमें क्रेडिट की मुस्तहिक है, वो तारीफ की मुस्तहिक है कि उसने एक अच्छा काम किया है, और ना सिर्फ अमन का, ना सिर्फ मोहब्बत का, बल्कि मजहबी हम आहंगी का पैगाम भी ऐसे पाकिस्तान में जाना चाहिए। ये था आज का प्रोग्राम, देखने का बहुत शुक्रिया। आई विल सी यू टुमारो।